चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान की ओर से टीबी मुक्त पंचायत अभियान के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग सर्वे करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 15 अगस्त 2022 से शुरू किया गया है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत एक्टिव केस फाइंडिंग सर्वे का द्वितीय चरण 26 जनवरी से 12 फरवरी तक चलाया जा रहा है। उक्त सर्वे के तहत ग्राम पंचायतों में टीबी के सक्रिय रोगियों का सर्वे किया जाएगा। कनिष्ठ विशेषज्ञ टीबी रोग डॉक्टर लोकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि अभियान के तहत जिले भर में 55 टीबी मुक्त पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में वार्डों को चिन्हित किया गया है। अभियान के तहत आशा सहयोगिनिया ग्राम पंचायत के घर घर जाकर सर्वे करेंगी। सर्वे के दौरान टीबी रोग से ग्रसित लोगों की पहचान करेंगी और रोग ग्रसित रोगियों को उच्च स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर कर उसकी जाँच करवाई जाकर रोग से ग्रसित लोगों को समुचित उपचार दिया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार टीबी मुक्त पंचायत अभियान 15 अगस्त से प्रारंभ है। उसके चरण में ACF एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान प्रथम चरण पूर्व में हो चुका है। अभी एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान 26 जनवरी से पुनः प्रारंभ होगा, जिसके तहत अजमेर जिले में 55 टीबी मुक्त पंचायत अथवा शहरी क्षेत्रों में वार्ड चयनित किए गए। इन सभी वार्ड में और पंचायत में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान 26 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगा, जिसमें आशा सेवनियों द्वारा घर घर जाकर उस पंचायत में सर्वे किया जाएगा तथा टीबी के सिम्टम्स की पहचान की जाएगी। ऐसा व्यक्ति जिसको टीबी से संबंधित कोई भी सिम्टम्स है उनको संबंधित संस्थान पर गवर्नमेंट संस्थान पर रेफर किया जाएगा तथा स्पुटम की जांच करवाई जाएगी। यह जांच यह सर्वे ANM आशा डिजिटल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इस सर्वे के दौरान आशा सहयोगियों को 10 रुपये प्रति परिवार के माध्यम से भुगतान भी किया जाएगा।